वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बैंगन का भरता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और वो भी बिना कुक किए सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। मैंने एक भरते वाला बैंगन लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर का यूज किया है, 2 हरी मिर्च का यूज किया है मैंने चॉप करके, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का यूज किया है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून का यूज किया है। 5 से 6 मैंने गार्लिक क्लोव्स या फिर लहसुन की कलियों का यूज किया है चॉप करके, 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसका यूज किया है, ये सिर्फ आपको कलर देगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और सरसों का तेल 1 टीस्पून मैंने यूज किया है और धनिया गार्निशिंग के लिए। मैंने इस बैगन में 4 से 5 कट लगा लिए हैं ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई कीड़े तो नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है जब आप इसे कट करते हैं तो कभी कभी इसमें कीड़े भी निकल जाते हैं, इसलिए आप प्लीज इसे चेक करके ही यूज करें। अब मैं अपना गैस ऑन करूंगी और इसमें इसको रोस्ट करने के लिए रख दूंगी। और इसको आप पलट पलट के रोस्ट करते रहिए थोड़ा थोड़ा देर। अब देखिए ये जो बैगन है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसको निकाल देंगे किसी प्लेट में और फिर हम इसके छिलके को उतार देंगे। अब जो इसका छिलका है मैं इसको निकाल लूंगी अच्छे से, और बहुत लोग जब बैगन को गैस में भूनते हैं तो उसमें ऑयल भी लगा लेते हैं ताकि जो छिलका है वो अच्छे से निकल जाए, बट मैंने नहीं लगाया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप लगा सकते हैं वरना नहीं भी लगा सकते हैं। इस जो बैगन है इसका पूरा छिलका निकल चुका है, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए थे उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिर्च है, ये हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, नमक, और जो ये मैंने सरसों का तेल लिया है इसको आप चाहे तो गर्म करके भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं। मुझे इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्मोकी फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं इसमें हमेशा कच्चा ही डालती हूँ, और लास्ट में धनिया। और अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसको गैस में बहुत सारे मसालों के साथ नहीं कुक किया है। अब देखिए ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, आप इसको रोटी या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। आप भी मेरी भरते की रेसिपी को ट्राई करिए
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।